भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं इस वक्त। करोगे ना, करोगे तो याद रखो, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का आशीर्वाद और धरती पर येडियुरप्पा जी और मुंबई जी का काम कर्नाटक को आगे ले जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में 10 मई को वोटों की गिनती है उसके। मैं वहां से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? नहीं नहीं, अगर नहीं आने देना है तो उनको घर में बैठाना है और नागराज को विधानसभा में भेजना है। करोगे ना, करोगे तो याद रखो, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का आशीर्वाद और धरती पर येडियुरप्पा जी और मुंबई जी का काम कर्नाटक को आगे ले जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत भ्रष्टाचार, 2015 में भ्रष्टाचार, 2016 में भ्रष्टाचार। तो जगत प्रकाश नड्डा हैं, जेपी नड्डा कर्नाटक में चुनावी प्रचार करते हुए और जगह है गडग रोड शो कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहां की जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें, डबल इंजन की सरकार कर्नाटक के विकास के लिए ही बनी हुई है। तो कर्नाटक चुनाव, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, चुनावी प्रचार का आज खास दिन है। और इसके पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी गीदड़ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी हमें नजर आ रहे हैं गडक कर्नाटक में चुनावी रोड शो करते हुए, और गृहमंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर, उनकी भी चुनावी सभा है आज। तो देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जहां कुल सीटों की संख्या 224, मतदान कब है 10 मई को, नतीजे आ जाएंगे 13 मई को। कर्नाटक विधानसभा के लिए ये जोर आजमाइश है। अभी वर्तमान में अगर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 117 सीटों की मौजूदगी है, जबकि कांग्रेस 69 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर, जेडीएस के पास 29 विधायक और अन्य के खाते में 3 संख्या है और खाली रिक्त जो है वो 6 सीटें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है इस वक्त कर्नाटक की जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराकर और उनको पूरी तरह से लुभाने की कोशिश। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आप भरोसा करें। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा 10 मई को जब मतदान है कि लोगों के मन में क्या है, वो किसको सत्ता में लेकर आते हैं, किसकी कुर्सी बरकरार रहती है या फिर किसी अन्य को मौका मिलता है। लेकिन सभी जो दिग्गज नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, उन्होंने चुनावी बागडोर को थाम लिया है, वो पूरी कोशिश में है जनता के बीच उतर कर उनके मुद्दे को उठाकर अपनी तरफ आकर्षित करें और वोटों का जो पक्ष है अपने पक्ष में कर लें, जो वहां की जनता है उनके वोट को। तो ये गडक कर्नाटक की चुनावी तस्वीर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा रोड शो करते हुए और भारी भीड़ भी आपको नजर आ रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं वो सपोर्ट करने पहुंचे हुए हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना किया और जो सांप वाला बयान है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी फिलहाल बैकफुट पर है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है, खड़गे ने जिस तरह से बयान दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी पलटवार, जोरदार हमला। और इस बीच ये जो चुनावी रोड शो है जेपी नड्डा करते हुए, गडक कर्नाटक की तस्वीर है। तो भारत माता की जयकारे के बीच ये चुनावी प्रचार, सवाल यही है कि कर्नाटक की जो जनता है वो किस पर भरोसा करेगी, उनके जहन में क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये तो 13 मई को ही चुनावी परिणाम के साथ ही सब कुछ साफ होगा, क्योंकि 10 मई को मतदान और 13 मई वो दिन जब पता चल जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने इस पूरे जी। Thank you.